कृषि बिल के विरोध में गांधी मैदान के बाहर धरना देने पर तेजस्वी यादव समेत कई महागठबंधन के नेताओं पर जिला प्रशासन ने केस दर्ज कराया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को ललकारते हुए कहा कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर FIR दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार बाद हम मैं स्वयं गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए FIR क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दी जाएगी। किसान बिल के खिलाफ बिना अनुमति गांधी मैदान के अंदर घुसकर भीड़ को संबोधित करने और कोविड नियम तोड़ने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 18 प्रमुख नेताओं के ऊपर केस दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजीव दत्त वर्मा की ओर से यह एक्शन लिया गया है। विधायक आलोक मेहता, रामनंद यादव, पूर्व मंत्री श्याम रजक, रमई राम, पूर्व विधायक शक्ति सिंह, मृत्युंजय तिवारी, अनिल कुमार, रामबली यादव, सुबोध कुमार यादव, उर्मिला ठाकुर, अनीता देवी, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा, अनिल शर्मा, KD यादव, चंदेश्वर सिंह, राम नरेश पांडे के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि IPC की धारा 188, 145, 269, 279 और 3 एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।